अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजी की बात करें तो ये साइंटिफिक स्टडी है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कैसे ये साइंटिफिक स्टडी है, कैसे हम मान लें, कैसे जो है इस चीज को अप्रूव किया जा सकता है। इवन कि ये आज से नहीं, बहुत सालों पहले जब जो है साइकोलॉजी का आगाज हुआ तब से ये क्रिटिसाइज होता रहा है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा है और लोगों ने किया भी है, अच्छा खासा किया है। तो साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी बनने के पीछे चार मेजर जो है मराहिल हैं, चार मेजर स्टेप्स हैं जहां से जो है होकर जो है साइकोलॉजी को जो है साइंटिफिक स्टडी जो है कहा गया है, वरना साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी नहीं थी लोगों की नजर में, सिर्फ और सिर्फ जो है कही कहलाई बातें थी या जो है लोगों के जो है एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन उनको हम चेक नहीं कर सकते थे, उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर जो है हम प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन आज इस मौजूदा दौर के अंदर जो है साइकोलॉजी को जो है साइंटिफिक स्टडी माना जाता है, और ये वाकई ही जो है साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी है, साइंस की एक स्टडी है, और जो है जिसकी बिना पर जो है आज मौजूदा दौर के अंदर जो है साइकोलॉजी की जो है डेफिनेशन में जो है दो मेजर चीजों को हाइलाइटेड किया जाता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। लेकिन अगर हम सालों पहले की बात करते हैं और जो है इसके पहले मराहल की बात करते हैं, तो पहला मराहल था सोल का, रूह का। जब साइकोलॉजी का आगाज हुआ, लोगों ने जो है साइकोलॉजी के ऊपर बात करना शुरू की, तो इसको जो है सोल की स्टडी कहा गया, इसको रूह की स्टडी कहा गया, इसको रूहानियत के ऊपर जो है लोगों ने बात की। लेकिन रूह को कौन जो है एनालाइज कर सकता है? ना ये देखी जा सकती है, ना ये महसूस की जा सकती है, और ना ही जो है लोग इसके ऊपर कोई रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो है जाहिर सी बात है कही कहलाई बातें थी। तो रूहानियत, रूह, सोल, इसका जो है जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने मजहब से लिया था, रिलीजियस कॉन्सेप्ट था, कि जो लोग अच्छे हैं उनकी रूह अच्छी है, जो लोग बुरे हैं उनकी रूह बुरी है, जिनकी बिना पे ये लोग सारा कुछ करते हैं, कि उन्होंने सारे का सारा मलबा जो है रूहानियत के ऊपर जो है या जो है रिलीजियस कॉन्सेप्ट के ऊपर डाला था, कि जो हमारे मजहब में चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो बुद्ध मत है, कोई भी मजहब है, तो उन्होंने जो है ये जनरेट किया था रिलीजियस कॉन्सेप्ट से, कि जो है ये सोल जो है या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। बहुत सारे लोगों ने जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है क्रिटिसाइज किया कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई कही कहलाई जो है बातें हैं, इन पे हम कैसे जो है यकीन कर लें, कैसे जो है इनको जो है हम जो है अप्रूव कर लें कैसे। तो अब जो है क्रिटिसिज्म करने वालों ने जो है डिफरेंट जो है सवाल जनरेट कर दिए, तो जो है रिसर्चर्स ने जो है वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इन चीजों को मानना शुरू कर दिया। यस, अगर लोग बात करते हैं तो ये सही कर रहे हैं, हमें जो है मजीद इस चीज को जो है बेहतर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जो है फिर सोल के ऊपर जो है बात की और जो है इस क्रिटिसिज्म को मानना शुरू कर दिया, और जो है मजीद इसको साइंटिफिक स्टडी मानने के लिए जो है डिफरेंट तरह जो है इसको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ एक स्टेज ऐसी आई कि लोगों ने जो है इसको जो है माइंड के साथ एसोसिएट कर दिया, कि जो है इन्होंने कह दिया कि माइंड और सोल दोनों का आपस में कोई ना कोई जो है ताल्लुक है, कोई ना कोई आपस में जो है रिलेशन है, इंटरलिंक तो है किसी ना किसी तरह। डिफरेंट सर्चेज ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट में जो है इन दो चीजों के ऊपर बात करना शुरू कर दी। ना उन्होंने जो है सोल को डिनाई किया, ना जो है माइंड को किया, माइंड को जो है इन्होंने एसोसिएट कर दिया हमारे हायर मेंटल फंक्शनिंग के साथ। इंसान क्या सोचता है, क्या जो है समझता है, कैसे रिएक्ट करता है, कौन से इमोशंस आते हैं, ठीक है, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, रिएक्शंस, ठीक है, और इमोशंस वगैरह सारे जो है हमारे जो है कॉग्निशन के साथ जो है अटैच कर दिए, और जो है फिर इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म होना शुरू कर दिया है, कि ठीक है नॉर्मल जो है इंसान जो है उनके थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, लेकिन जो मेंटली इल लोग हैं, जो पेशेंट हैं, हम उनको कैसे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे जो है उनके जो है हम इमोशंस को जज कर सकते हैं, कैसे जो है हम उनके ऊपर जो है साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड जो है एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, बच्चों के जो है हम कैसे बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं कैसे। तो लोगों ने जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी जो है क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन रिसर्चेस को नए से नई जो है क्रिटिसिज्म के ऊपर जो है रास्ते मिलना शुरू हो गए। रिसर्चेस ने जो है नई नई चीजों को जो है मॉडिफाई करना शुरू कर दिया।
और इन्होंने जो है ना तो रूह के कॉन्सेप्ट को जुटलाया और ना ही जो है माइंड के कॉन्सेप्ट को जुटलाया, इन्होंने जो है मजीद जो है चीजों को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। और तीसरे मराहल में आता है कि इन्होंने जो है कह दिया कि ये जो है ये कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है। इंसान जिन चीजों के बारे में अवेयर है, उनके बारे में जानता है, उनके बारे में इलम रखता है और उनको सीखने की कोशिश करता है, उन चीजों से जो है सबक हासिल करने की कोशिश करता है। तो इंसान जिस चीज से अवेयर है, जैसे मैं जो हूं यहाँ इस रूम में बैठा हुआ हूं, मेरे इर्द गिर्द जो चीजें हैं, मेरे सामने जो ट्राइपॉड है, कैमरा लगा हुआ है, तो मैं इन चीजों के अवेयर हूं। तो ये जो है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है और यही जो है इन्होंने कह दिया कि ये साइकोलॉजी है। लेकिन फिर जो तनकीद करने वाले हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म किया और जो है यहां पर बात हुई तनकीद ब्राय तनकीद नहीं हुई, तनकीद ब्राय इसलाह के लिए बात की गई। ठीक है, क्रिटिसिज्म अगर हुआ है तो बेहतरी के लिए हुआ है। तो कुछ जो है क्रिटिसिज्म करने वालों ने जो है कुछ अच्छे पॉइंट्स को जो है हाईलाइटेड किया कि अगर आप जो है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं तो जो है फिर आप लोगों ने जो है जुटला दिए, सबकॉन्शियस के ऊपर बात नहीं की, अनकॉन्शियस के ऊपर बात नहीं की, आपने लिमिटेड कर दिया साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी जो है एक ब्रॉडर फील्ड है। अगर हम जो है पिछले साइंसदानों की बात करते हैं, पिछले रिसर्चेस की बात करते हैं, तो उनकी जो है बिहाफ पे हम अगर बात करते हैं, वो सोल है एक ब्रॉडर जो है कॉन्सेप्ट है, या माइंड है, माइंड एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो आपने तो जो है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड कहकर इसको जो है लिमिटेड कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर जो है इस क्रिटिसिज्म को जो है मजीद मॉडिफाई किया है बिहेवियरिज्म वालों ने। बिहेवियरिज्म वालों ने जो है बिहेवियर के ऊपर काम किया और जो है बिहेवियर के ऊपर बात ले आई। इन्होंने ना तो जो है सोल के कॉन्सेप्ट को जुटलाया, ना ही जो है इन्होंने जो है कॉग्निशन के जो है कॉन्सेप्ट को जुटलाया, ना ही जो है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के कॉन्सेप्ट को जुटलाया, बल्कि लोगों की क्रिटिसिज्म का जो है फायदा जो है वो हासिल करने के लिए और इसको रिसर्च बेस और साइंटिफिक स्टडी जो है बनाने के लिए जो है इन्होंने जो है बात की बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर इंसान का ऑब्जर्वेबल है, जो क्रिटिसाइज होता आ रहा था कि जो है साइकोलॉजी के ऊपर जो है हम कैसे जो है इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो इन्होंने जो है बिहेवियर के ऊपर काम किया कि जो है बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब इंसान के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है तो जाहिर सी बात है जो है ये रिसर्च और एविडेंस जो है इन्होंने बातें करना शुरू कर दी। इन्होंने जो है सहारा बनाया कॉग्निशन को। इन्होंने कहा कि कॉग्निशन जो है जितना अच्छा रोल प्ले करता है, वो रोल जो है हम जो है बिहेवियर की मदद से जो है एनालाइज कर सकते हैं। हमारा ब्रेन जो मैसेजेस रिसीव करता है और उन रिसीव किए हुए मैसेज के ऊपर वो जो रिएक्ट करता है और जो रिएक्शन बॉडी के ऊपर होता है, हमारी जो है कम्युनिकेशन के ऊपर होता है, वर्बल नॉन वर्बल क्यूज के ऊपर होता है, अगर हम उनको जज करना शुरू कर दें तो साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी बन जाएगी। तो इन्होंने जो है ऑब्जर्वेबल जो है मैनर्स के ऊपर बात करना शुरू कर दी और इन्होंने जो है डिफरेंट जो है एनिमल्स के ऊपर रिसर्चेस की। किसी ने जो है किसी जानवर के किसी बिहेवियर को जो है एनालाइज करने के लिए जो है कोई बॉडी के या ब्रेन के जो है ब्रेन के पार्ट को जो है वो एनालाइज किया और जो है उसकी बिना पे जो रिएक्शन हुआ और बॉडी के अंदर जो चेंजेस आई हैं और जो है उस एनिमल ने जो है जो रिएक्शन दिया है उसको जो है इन्होंने साइंटिफिक स्टडी जो है करार दे दिया कि जो है हम अब जो है इसे इस बिहाफ के ऊपर जो है साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ब्रेन और बॉडी, बॉडी को इन्होंने बिहेवियर के साथ एसोसिएट कर दिया और जो है इन्होंने जो है इसको जो है साइंटिफिक स्टडी करार दे दिया। चार मेजर स्टेजेस, चार मेजर फेजेस से जो है गुजरकर साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी बनी है, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट सोल का था, रूह का था, रूहानियत का था, दूसरा जो है हमारा कॉन्सेप्ट था माइंड का, कॉग्निशन का, तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा कि ये जो है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है। और इन्होंने तीनों की मदद से जो है उन चीजों को डिनाई नहीं किया, उनको जो है मजीद जो है उनका एज फायदा उठाते हुए मजीद चीजों को मॉडिफाई करते हुए और क्रिटिसिज्म करने वालों की जो है मजीद क्रिटिसिज्म को जो है बेहतर करने के लिए, ताकि जो है लोग क्रिटिसिज्म ना कर सकें, तो इन्होंने जो है उनके तमाम के तमाम सवालों के जो है जवाब जो है समराइज करके दे दिए बिहेवियर को एसोसिएट करके। तो आज जो भी बिहेवियर होता है उसके पीछे जो है कॉग्निशन लाजमी जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। अगर इंसान खुश है तो उसकी बॉडी के जो लैंग्वेज होगी वो कुछ और होगी, उसके वर्बल नॉन वर्बल क्यूज कुछ और होंगे,
और स्टिमुलस की बेस पे जो है पेन अगर है इंसान को होती है, फॉर एग्जांपल अगर रास्ते में जा रहा है और जो है उसके पाँव में कोई कील लग जाता है, तो कील की रिएक्शन की बिना पे जो है बॉडी के अंदर जो है जो चेंजेस होगी, ब्रेन के अंदर जो चेंजेस होगी और जो मैसेज जो है बॉडी से ब्रेन को मिलेगा और ब्रेन से दोबारा बॉडी को मिलेगा और जो आप बिहेवियर शो करेंगे, उस चीज का नाम जो है इन्होंने साइकोलॉजी जो है कह दिया, कि जिसमें माइंड और बिहेवियर दोनों चीजें शामिल है। और आज हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है वाकई जो है एक साइंटिफिक स्टडी है। ये सादा और सिंपल अल्फाज में मैंने जो है एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया, बहुत सारे बैचलर के स्टूडेंट होते हैं उन्हें समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि ये वाकई जो है अगर साइकोलॉजी साइंस है तो कैसे जो है किन मराहल से होकर गुजरी है। तो सिंपल सी बात है कि फोर बेसिक कॉन्सेप्ट है, सोल, माइंड, ठीक है, एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड या कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, और उसके बाद जो है बिहेवियर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।